Hello friends, welcome to Impact Sports, the world of import and export, a part of Global Federation of Entrepreneurs. Friends, आज का जो सवाल पूछा है हमें वो भाविन पटेल जी ने पूछा है. उनके एक्चुअली दो सवाल हैं. सबसे पहले उन्होंने पूछा था कि हाउ टू फाइंड प्रोडक्ट नॉलेज, प्लीज शेयर वेबसाइट फॉर दैट. और दूसरा ही उन्होंने अपना प्रोडक्ट स्पेसिफाई पूछा है कि ब्लैक पेपर एक्सपोर्ट करना है, उनकी उनको पूरी डिटेल्स चाहिए. सो भाविन जी, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दी डिटेल्स. भाविन जी, मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रोडक्ट के रिलेटेड, तो सबसे बढ़िया वेबसाइट है हमारे इंडिया में जो कि ब्लैक पेपर के बारे में अगर आपको जानना है तो वो एक स्पेसिफाई करता है, रिकमेंड करता है कि स्पाइसेस को. तो स्पाइसेस के रिलेटेड हमारे पास पूरी एक वेबसाइट है. मैं कुछ ज़्यादा कहूँगा नहीं, मैं आपको डायरेक्टली वो वेबसाइट पर लेके चलता हूँ, तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसमें से कि आप किस तरह से वो वेबसाइट को यूटिलाइज कर सकते हैं. आगे चल के अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो वेबसाइट के लिए, तो वो आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, ये पूरी डिटेल्स आप एक वेबसाइट में बता रहा हूँ, स्पाइसेस बोर्ड जो कहते हैं हमारे इंडिया में, जो कि एक तरीके का एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जिसे हम बोलते हैं, वैसे ही बोर्ड कमोडिटी होती है. तो उसी हिसाब से मैं आपको स्पाइस बोर्ड की तरफ लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये ब्लैक पेपर स्पाइस को रिकमेंड करता है. तो आपके स्क्रीन पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये पूरा स्पाइसेस की पूरी वेबसाइट है जिसे हम कहते हैं indianspices.com. नॉट ओनली ब्लैक पेपर बट जो भी स्पाइसेस में डील करते हैं उनके लिए ये वेबसाइट बहुत ही असेंशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि आज हम इसके अंदर सीखने जाएंगे कि कौन कौन से स्पाइसेस मैक्सिमम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, उनके न्यूट्रिशंस क्या है, कौन सी स्टेट में कौन सा स्पाइसेस सबसे ज्यादा होता है. प्लस इसके अलावा हम और भी बाइफर्केशन में जाएंगे कि अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो उसका पैकेजिंग किस तरह से हो नॉर्मली. तो लेट्स सी, आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो ये मेरा कर्सर इंडियन स्पाइसेस के ऊपर मुझे जाना है. इंडियन स्पाइसेस पे मैंने यहाँ पे क्लिक करा है स्पाइसेस ग्रोइंग स्टेट. तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा स्पाइसेस ग्रोइंग स्टेट के ऊपर, तो मुझे यहाँ पे पूरी डिटेल्स आ जाएगी आपकी स्क्रीन के ऊपर. आप देख पा रहे हैं कि अगर मुझे पेपर सबसे पहला, अगर मुझे पेपर एक्सपोर्ट करना है तो केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है हमारे इंडिया में. वैसे ही कार्डेमम स्मॉल, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, फिर कार्डेमम लार्ज जो सबसे लंबी वाली जो कार्डेमम होती है, सिक्किम और वेस्ट बंगाल. वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट स्पाइसेस हमारे इंडिया में, कौन से स्पाइसेस कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा ग्रो कर रहे हैं वो आप यहाँ पे डिटेल्स निकाल सकते हैं. प्लस आप इंडियन स्पाइसेस के ऊपर ये प्रॉपर्टीज पे अगर जाते हैं तो आपको पूरा डिटेल एनालिसिस मिलेगा. भाविन जी, पूरा डिटेल एनालिसिस, ये न्यूट्रिशंस वैल्यू ऑफ स्पाइसेस, उसका कैलिफोर्निक वैल्यू ऑफ स्पाइसेस, मेडिकल्स प्रॉपर्टीज स्पाइसेस, जो भी आपको रिलेटेड डिटेल्स चाहिए वो आपको यहाँ पे मिलेगा. लाइक जैसे मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज में गया, लाइक क्लिक करके देख लेते हैं न्यूट्रिशंस वैल्यू ऑफ स्पाइसेस. अब इस पे मैंने क्लिक करा तो अब मुझे जाना है पेपर, जो कि भाविन जी का क्वेश्चन है, पेपर के रिलेटेड उनको ये पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए. तो मैंने यहाँ पे पेपर के ऊपर क्लिक करा तो उनका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन मेरे स्क्रीन के ऊपर आ गया है. 100 ग्राम के ऊपर उनको पूरा ब्लैक पेपर के अंदर क्या क्या डिटेल्स आती है, वाटर, फूड, एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, ये सब पूरा प्रोडक्ट का नॉलेज, ये प्रोडक्ट का नॉलेज आप यहाँ से ले सकते हैं. दूसरी चीज, अब यहाँ पे अगर मुझे जानना हो कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, तो भी सेम यहाँ पे जाऊंगा मैं, स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, और एक्सपोर्ट में जाके मेजर आइटम वाइज एक्सपोर्ट, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मेजर आइटम वाइज एक्सपोर्ट, तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा पेपर, कार्डमम, स्मॉल, लार्ज, चिली, जिंजर, टर्मरिक, कोरिएंडर, कमिन, ये सब 2014-15 से लेकर 2018-19 तक का डेटा आपके सामने है. और ये मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये गवर्नमेंट ऑथेंटिकेटेड डेटा आपके सामने है. कितना वैल्यू में एक्सपोर्ट हुआ है, कितनी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट हुआ है, कौन सा स्पाइसेस एक्सपोर्ट हुआ है, तो अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो सबसे ज्यादा चिली हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा चिली हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, यू कैन सी दिस. और चिली के बाद अगर मैं बात करूं तो हो रहा है क्यूमिन सीड्स, जीरा.
तो ये इस हिसाब से आप अपना डेटा एनालिसिस कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या यूटिलाइजेशन होता है। प्लस ये तो रही हमारी बात, बट अगर आपको एक्सपोर्ट फ्यूचर के बारे में जानना है तो कुछ नहीं है, अलीबाबा का नाम आप सभी लोग ने सुना होगा, तो अलीबाबा.com पे आपको ओपन करना है। अलीबाबा.com जैसे आप ओपन करेंगे आपके स्क्रीन के ऊपर आपको फाइंड करना है यहाँ पे ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर आप फाइंड करेंगे, आपको पूरा डिटेल एनालिसिस यहाँ से जाना है। राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे आपको बोल्ड कर देता हूँ तो आपको दिखेगा, ये यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेट करना है कि कितने सालों से है। अब ये ब्लैक पेपर है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्लिक करता हूँ एग्जाम्पल, इसके अंदर से भी हमें बहुत सारी डिटेल्स मिल सकती है। क्या डिटेल्स मिल सकती है? सी, आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट के लिए अगर सामने वाला बायर आपको कितना क्वांटिटी का ऑर्डर देता है तो कितने दिन में रेडी हो पाएगा, प्लस उसी के साथ में कौन कौन से ग्रेडिंग अवेलेबल होते हैं। अब ये पूरा डिटेल एनालिसिस ओवरव्यू आपके सामने है, प्रोडक्ट डिटेल्स जो कि आता है प्रोडक्ट नॉलेज में। क्यों? बायर आपसे कुछ भी इंफॉर्मेशन पूछ सकता है, तो यू हैव टू बी रेडी ऑन द फिंगर टिप्स। ये देख लीजिए, ड्राइड है, रॉ है, पाउडर फॉर्म में है, शेल्फ लाइफ कितना होगा, कौन से डिग्री पे उसको मेंटेन करना होगा, मॉडल नंबर क्या है, ये पूरा यहाँ पे डिटेल्स रहेगा। सप्लाई एबिलिटी उसका कितना है, पैकेजिंग किस तरह से होता है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो भाविन जी, ये पूरी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, आप ही को नहीं बट जो भी स्पाइसिस के अंदर जो डील कर रहे हैं उन सबको ये पूरी डिटेल्स पता होनी चाहिए प्रायर एक्सपोर्टिंग दी एनी ऑफ दी कमोडिटी। सो ये आज पूरा स्पाइसेस जो हमने ब्लैक पेपर पे लिया है उसी हिसाब से आप डिफरेंट डिफरेंट स्पाइसेस के ऊपर भी पूरा एनालिसिस कर सकते हैं आपके एंड से। सो इसके अलावा आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज आप कमेंट में बता सकते हैं, और कमेंट में अगर आपको हम लोग थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो प्लीज GFE एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पे आप चैट के ऑप्शन में जाइए और प्लीज आप जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स डाउट्स हैं आप वहां पे हमें रेकमेंड कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।